अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो उसका एक सॉल्यूशन है सुसाइड, या फिर आप लड़के हो आपको एक लड़की नहीं मिल रही है, या लड़की हो लड़का नहीं मिल रहा है, या फिर लड़का हो लड़का नहीं मिल रहा है, या लड़की हो लड़की नहीं मिल रही है। ये लास्ट वाली लाइन इसलिए ऐड की क्योंकि भैया जेंडर इक्वलिटी मैं चाहता हूँ। कोई ये ना इल्ज़ाम लगा दे कि भैया तुमने जेंडर इनक्वालिटी कर रही है, जेंडर इक्वलिटी के लिए मैंने ये सब चीज़ें बोल दी। तो अगर वो चीज़ें नहीं हो रही हैं तो भैया आपके लिए एक और सॉल्यूशन है सुसाइड। यानी कुल मिलाकर आपको जो भी परेशानी है उसको सॉल्व करना है तो उसका सबसे आसान उपाय है सुसाइड, जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जो एक वेब सीरीज़ आई है जिसका नाम है अफसोस, अमेजोन प्राइम पे रिलीज़ हुई है, जिसके अंदर 8 एपिसोड है और जिसको डायरेक्ट किया है अनुमति कश्यप ने। और ये जो सीरीज़ है ये टोटल 3 घंटे की एक लंबी एक सीरीज़ है, मतलब 3 घंटे के अंदर ही ख़त्म हो जाती है, इसके टोटल 8 एपिसोड इसमें ख़त्म हो जाते हैं। अब ये जितनी भी बातें मैंने अभी बोली कि ये सुसाइड से रिलेटेड, ये मरने को आपके अपने आप को खुद को मारने, ये सारी बातें इस वेब सीरीज़ में हैं। अगर इसके अंदर कास्ट की बात करें तो इसके अंदर कास्ट है गुलशन देवैया, आकाश दहिया, अंजलि पाटिल, रोबिन दास, और एक हमारे यूट्यूबर हैं जेमी ऑल्टर, आप जानते भी होंगे। अगर आप ये नाम सर्च भी करेंगे यूट्यूब के ऊपर तो आपको उनका मिल जाएगा। तो एक अच्छी बात है कि यूट्यूबर को मौका मिल रहा है सीरीज़ में आने के लिए। और अब अगर कहानी की बात करूं तो एक लड़का है नुकुल, जिसे प्ले किया है गुलशन देवैया ने, वो अपनी ज़िंदगी से बहुत फ्रस्ट्रेट है, वो इतना फ्रस्ट्रेट है कि अपनी लाइफ को ख़त्म कर देना चाहता है। और उसको उसके पास कोई जॉब नहीं है, उसको उसके भाई उसको अपने घर में नहीं आने देता, उसके माँ बाप पैरालाइज होए हुए हैं, और वो जिस भी लड़की से प्यार करता है वो लड़की उसको छोड़ के चली जाती है, बिल्कुल तनहा है। एक ही उसकी लाइफ में उसकी फिजियोथेरेपिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट जो भी है वो इसी बात करती है, और वो तब भी बात करती है जब ये नुकुल उसे पैसे देता है बात करने के, यानी मीटिंग होती है ना ये जो इलाज उलूज करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो होते हैं वो उससे बातें हो जाती हैं। तो एक वही है जो इससे बातें करती है। तो भाई भाई साहब अपना 11 बार अटैम्प्ट कर चुका है मरने के लिए, लेकिन मर ही नहीं रहा क्योंकि कुछ चीज़ें आ जाती हैं बीच में, कोई कोई कब बचा जाता है, कोई और मर जाता है इसके बदले, लेकिन ये नहीं मर रहा। बड़ा एक कमाल है। तो थक हार के ये इंसान जो अपने आप को ही नहीं मार पा रहा, इसमें नाकामयाब होने के बाद ये जाता है एक ऐसे ऐसे स्क्वाड के पास जो सुसाइड करवाने में हेल्प करते हैं। क्या क्या खुल गया है यार बिजनेस के लिए, एक और देखना पड़ेगा अपने को भी, जो सुसाइड के लिए मतलब हेल्प करते हैं, धक्का दे देते हैं वो। तो ये उनके पास जाता है तो उनको बोलता है कि भाई मुझे मरना है और मेरे नाम की एक सुपारी निकालो, कैसे मरना है, गन शॉट से मरना है, कहाँ गोली चाहिए, यहाँ गोली चाहिए, तो ये वगैरह वगैरह डिटेल ले लेते हैं। फिर कहाँ मरना चाहिए कि घर में, ऑफिस में, पब्लिक में, सब चीज़ें अवेलेबल, मतलब इतनी सर्विस, इतने ऑप्शन अवेलेबल हो चुके हैं मार्केट के अंदर, ये सीरीज़ दिखा रही है। तो भाई साहब चुनते हैं कि घर में मरना है, यहाँ पे माथे के बीचों बीच गोली चाहिए और शूट शूट ही होना चाहिए और कुछ नहीं। तो ये सब होने के बावजूद फिर भी ये नहीं मरता। तो भाई इतनी सारी चीज़ें होने के बाद लौंडे को हो जाता है एक लौंडिया से प्यार अपनी थेरेपिस्ट से। तो अब लौंडा मरना नहीं चाहता, लेकिन जो इसको मारने वाली जो उसने जिसकी इसकी सुपारी ले रखी है वो होती है उपाध्याय। वह भैया उपाध्याय इतनी सटकी हुई है कि अब इसको मारना है क्योंकि उसने सुपारी ले ली है। वो हराम के पैसे तो खाने नहीं ना उसने, वो भले ही 10-15 और लोगों को लुढ़का दे, लेकिन मेन बंदा तो मारना चाहिए क्योंकि इसको हराम के पैसे नहीं खाने, हराम के पैसे पचते नहीं है इसको। तो भैया उपाध्याय लग जाती है इसको मारने, ये मरना नहीं चाहता, अब उपाध्याय इसको मारना चाहती है। ये स्टोरी ये इसके इर्द गिर्द घूम रही है। अब मैं बताऊं कि मुझे सीरीज़ कैसी लगी, देखो स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस सीरीज़ ने मुझे कहीं बोर नहीं किया, मुझे अच्छी लगी। ओवरऑल 3 घंटे की एक मूवी है जो आपको बांध के रख लेती है, मूवी नहीं एक सीरीज़ है जो आपको बांध के रख लेती है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे तो काफ़ी पसंद आई है मूवी। अपना अपना हर एक का अलग अलग टेस्ट होता है, शायद किसी को दूसरे टाइप की पसंद आ जाती है। तो अभी तक जो बहुत सारे जो लोग सोच रहे थे कुछ हटके देखें, कुछ हटके मिले, तो ये इसमें कुछ हटके आपको मिला हुआ है। मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूँगा 7/10 स्टार।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे कॉमेडी बहुत अच्छी है, मतलब इवन एक एक ऐसी स्टेज जिस पे कोई इंसान मर रहा है और आप पे आपको हंसी आ रही है, मतलब ऐसे मारा जा रहा है जिसमें हंसी आ रही है किसी इंसान के मरने पे। एक्टिंग में तो भैया गुलशन देवैया ने पहले ही बहुत कमाल कर दिया था, जो कमांडो 3 में जो उनकी मूवी कमांडो 3 जो मूवी थी उसके अंदर उनकी एक्टिंग कमाल ही थी, और इस सीरीज़ के अंदर भी बहुत उमदा लेवल की उनकी एक्टिंग है। बाकी सभी किरदार ने अपनी अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है, हर एक कलाकार ने इसमें, मैं नहीं कह सकता कि इसने कम किया। इवन पुलिस वाला जो सीन था इसके अंदर मुझे काफ़ी पसंद आया। बस इतना ही था। अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देख ली है तो कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगी। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।